खबर लखीसराय से है, जहां केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह पर विवादित टिप्पणी करने वाले पूर्व मध्य रेलवे के अधिकारी एके रजक का तबादला कर दिया गया है। दरअसल लखीसराय के बड़हिया में कोरोना काल के बाद ट्रेनों का ठहराव हटा दिया गया था, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। ऐसे में स्टेशनों पर ट्रेनों के ठहराव के लिए आवरण अनशन किया गया था। इधर अनशन तोड़वाने के लिए रेलवे के अधिकारियों से लेकर जिला प्रशासन के अधिकारियों की पूरी टीम मौके पर पहुंची थी। उन्होंने धरना दे रहे लोगों को समझा बुझाकर आंदोलन को खत्म करवाया था। वहीं अधिकारियों ने उस वक्त आश्वासन दिया था कि जल्द ही बड़हिया स्टेशन पर ट्रेनों को स्टॉपेज दिया जाएगा, लेकिन धरना खत्म होने के काफी दिन बीत जाने के बाद भी ट्रेनों का ठहराव नहीं दिया गया। ऐसे में आंदोलनकारी मनोरंजन कुमार ने हाजीपुर जोन के परिचालन प्रमुख अरविंद कुमार रजक को कॉल कर फिर इस संबंध में मांग की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि केंद्रीय मंत्री बड़हिया के ही रहने वाले हैं, लेकिन वो केवल नाम के हैं। रेल मंत्री के सामने बोलती बंद हो जाती है, वो केवल यहाँ गरमाते हैं लेकिन वहाँ उनकी घिघी बन जाती है। आपको बता दें कि इस बातचीत का ऑडियो वायरल होने के बाद अधिकारी पर कार्रवाई की गई और उन्हें पूर्वी मध्य रेलवे से साउथ वेस्टर्न रेलवे भेज दिया।